हेलो। बैठिए भाई, रुक जाइए। देखिए, आपका द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ाया जा रहा था, और जो नए लोग क्लास ले रहे हैं ऑफलाइन, उनको भाई सूचित कर दिया जाए कि आपका 26-27 वीडियो अब तक बना है एविडेंस का, और नए लोग एडमिशन ले लें तो आपका माने उस बैच में जोड़ दिया जाएगा, और पुराना वीडियो आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि जो पहले पढ़ाए गए थे एविडेंस और इस बार जो पढ़ाया गया है उसमें अंतर है। यानी कि पहले जो BR APO के लिए पढ़ाया गया उसमें और इस बार जो पढ़ाया गया है, काफ़ी अंतर है। इस बार आपका एक एक छोटी छोटी बातों को भी गौर करते हुए हम चल रहे हैं। तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भाई आपका, क्योंकि दो तीन माने आपका ऑनलाइन बैच चल रहा है, ये जो पढ़ाया जा रहा है उनके लिए भी सूचना दे दी जाए। सूचना ये है कि भाई आपका, चूंकि ऑफलाइन क्लास हमारा शुरू हो चुका है, अतः जिस स्पीड में पहले पढ़ाया जाता था केवल ऑनलाइन, थोड़ा स्पीड जो रहेगी कम रहेगी आपका। यानी कि स्पीड बहुत तेज स्पीड में हम नहीं पढ़ा सकते फिलहाल, क्योंकि आपका ऑफलाइन हमारा क्लास भी शुरू हो चुका है, और इसलिए दोनों क्लास एक साथ हमें मैनेज करना है, और उतना हमारे पास समय भी नहीं है कि दो बार मैं पढ़ाऊं। तो जो भी और जितने भी क्लास आपका चलेंगे वो भी आप लोगों को भी सूचना दे दिया, सुबह से शाम तक सब अब रिकॉर्ड किया जा रहा है, और सभी कक्षाओं के लेक्चर आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे आप आइए या ना आइए। मैंने क्लास नहीं भी आते हैं तो आप लेक्चर से देख सकते हैं। सेक्शन 13 तक एविडेंस में हम बताए थे, और नए लोगों से आशा की जाती है कि एक दो दो तीन दिन में वो पूरा वीडियो स्पीड करने वाला है, 1 घंटे का आधा घंटा में भी देख सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी देख लीजिए। और उसके बाद सेक्शन 14 से हम शुरू करते हैं। सेक्शन 14 से निश्चित रूप से 14 और 15 से एक क्वेश्चन आता है। यानी कि चाहे UPJ हो, चाहे उत्तराखंड हो, UPAPO हो, यहाँ तक कि जो वकीलों का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है भारत में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम, वहाँ से भी सेक्शन 14 से एलिस्ट्रेशन इसी बार पूछा गया था, एक क्वेश्चन आएगा। चाहे MP हो, MPADPO हो, जे हो, मैंने जो भी एग्ज़ाम होता है सेक्शन 14 और 15 से एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर मिलता है। फिर आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। इस समय आपका एक तो एलिस्ट्रेशन बना दे रहा है, और दूसरा ब्राइड इन बाथ, यानी कि ब्राइड इन बाथ का मतलब सेक्शन 15 में जाएगा, इसको हम डिटेल में बताएंगे। टब में दुल्हन, इसका हिंदी हुआ टब
टब में दुल्हन, तो ब्राइड इन बाथ का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ब्राइड इन बाथ किस सेक्शन में है? तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 15 में। यानी कि हुआ क्या था, आपका कहावत भी कही जाती है, मैं बताया भी था पिछले लेक्चर में, चूंकि आपका सेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ था तो फिर एक बार हम बता रहे हैं। कहावत ये कही जाती है कि जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, मैंने अप्रत्यक्ष रूप से, कि जो गनी जी थे वे लड़े ही नहीं भाग गए, उनको तो चुल्लू भर पानी में जाकर क्या होना चाहिए, डूब मरना चाहिए। तो क्या चुल्लू भर पानी में आदमी डूब कर मर सकता है? निश्चित तौर पर मर सकता है। और इसका उदाहरण श्रीदेवी जी हैं, जहाँ की नहाने गई और चुल्लू भर पानी में डूब कर क्या हुई, अरे भाई नाक में पानी चला जाए, नाक बंद हो जाए तो अपने आप ही आदमी मर जाते हैं, आपका एक कटोरा ही पानी क्यों ना हो, तो वही चुल्लू भर पानी में। तो एक व्यक्ति पुरुष था और इसमें वह स्त्रियों से विवाह करता था और उसको टब में, नहाने वाले टब में डूबो कर मार देता था। और ये श्री दिव्य जैसे कहता था, जैसे वो मरी कि ये गई थी नहाने, उसी में डूब कर क्या हुई, मर गई, ये भी बताया जाएगा। सेक्शन आपका 14 और 15 में आपका ये पूछा जाता है कि जो मेंटल फैक्ट हैं, मानसिक तथ्य हैं, उसके लिए जो जनरल रूल हैं आपका 14 में है, और स्पेसिफिक नियम या विशिष्ट नियम 15 में है। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम एकदम शुरुआती दौर से, यानी कि एकदम शुरुआती दौर से हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, जो फैक्ट होते हैं या तथ्य होते हैं या वाकिया या वास्तविकता होती है, वह दो प्रकार की होती है। एक फिजिकल फैक्ट, फिजिकल फैक्ट को हम भौतिक तथ्य कहते हैं, भौतिक, और एक मेंटल फैक्ट होता है जिसे मनोवैज्ञानिक या मानसिक तथ्य कहते हैं या आंतरिक तथ्य। भौतिक तथ्य को बाह्य तथ्य भी कहते हैं। फिर एक बार दूसरा शब्द बता दिया जाए, आपका एक्सटर्नल, और मेंटल फैक्ट को या जो मानसिक तथ्य हैं उसको मेंटल फैक्ट या इंटरनल फैक्ट भी कहते हैं। अब ये हैं कि इन तथ्यों को एविडेंस के रूप में न्यायालय में पेश किया जाता है, तो जो भौतिक तथ्य होते हैं उनको आँखों से देखा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, आपका नाकों से सूंघा जा सकता है, जिह्वा द्वारा स्वाद लिया जा सकता है, और त्वचा से उनका क्या किया जा सकता है, स्पर्श। इसका मतलब ये हुआ एक लाइन में कि ऐसे तथ्य जो मानव के इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, लीगल भाषा में, ऐसे तथ्य जो मानव के इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो उन्हें भौतिक तथ्य कहा जाता है। जैसे कि आप लोग, हम पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी आवाज़ सुनने में आ रही है, बेंच देख रहे हैं, कॉपी किताब बोर्ड देख रहे हैं, ये सब कैसे फैक्ट हो गए, आपका भौतिक। भौतिक तथ्यों को जो न्यायालय में प्रूफ किया जाता है आपका, वो डायरेक्ट एविडेंस द्वारा किया जाता है सामान्यतः, यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा। प्रत्यक्ष साक्ष्य या डायरेक्ट एविडेंस का मतलब, अगर आँख से देखने वाली बात है तो जिस व्यक्ति ने स्वयं अपनी आँखों से देखा है वह न्यायालय में आकर बताए कि हम घटना को स्वयं अपनी आँखों से देखे। सुनने वाली बात है तो जो स्वयं अपने क्या किया है, कान से सुना, त्वचा द्वारा स्पर्शनीय है तो जो स्वयं अपने त्वचा से क्या किया है, स्पर्श, वह आकर न्यायालय में अगर
साक्ष्य देता है तो उसके साक्ष्य को हम डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं, यानी कि ज़्यादातर भौतिक तथ्यों को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है और कुछ सरकमस्टेंशियल एविडेंस द्वारा, परिस्थिति जन साक्ष्य द्वारा भी, यानी कि दोनों द्वारा। जो ये मेंटल फैक्ट होते हैं, मेंटल फैक्ट इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं है, अर्थात न तो हम आँख से देख सकते हैं, न कान से सुन सकते हैं, न त्वचा द्वारा स्पर्श कर सकते हैं, न जिह्वा से स्वाद ले सकते हैं और न ही नाक से सूंघ सकते हैं। तो समस्या ये है कि दिखाई देगा नहीं, और तो ऐसी दशा में ये जो मेंटल फैक्ट हैं मानव के हृदय में निवास करते हैं, या मानव के कहाँ निवास करेंगे, मस्तिष्क में। अब समस्या ये है कि क्या कानून मानव के हृदय में निवास करता है और हृदय की बातें जान सकता है? तो आपका जवाब रहेगा, कानून या विधि मानव के हृदय में झांक कर नहीं देखती, अतः मेंटल फैक्टों का प्रत्यक्ष साक्ष मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि दिखाई नहीं देंगे। अब कोई व्यक्ति क्या विचार रख, क्या अपने मन में सोच रहा है, उसका क्या इरादा था, ये कहीं देखा नहीं जा सकता। अतः लेकिन ऐसे तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और आपका जो मेंटल फैक्ट होते हैं उनका केवल एक अनुमान लगाया जाता है, प्रिजम्पशन किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के हाव भाव चाल चलन कंडक्ट या व्यवहार, यानी कि मेंटल फैक्टों का केवल अनुमान लगाया जाता है। व्यक्ति के कंडक्ट के आधार पर, व्यक्ति के आचरण के आधार पर, तो दो तीन उदाहरण देखिए और आपको ये कवर करना है कि क्या इसकी मानसिक दशा क्या थी। अब एक दो उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण हम आपका, चोरी हुई और चोरी के कुछ समय के पश्चात एक व्यक्ति के पास चुराया हुआ माल पाया गया। वह व्यक्ति ये कहता है कि हजूर, हम ये सामान दुकान से खरीदे थे, इसकी कीमत 1000 रुपये है और आपका बार्गेनिंग माने सौदेबाजी किए और किसी तरह छुड़वाए दाम, तो 950 का हमें पड़ा। तो आप लोग बताइए, उसकी जो मानसिक दशा थी, वह गुड फेथ में काम किया, यानी कि सद्भावना में काम किया कि नहीं किया? क्योंकि अगर वह जानता रहता, उसको ज्ञान रहता, नॉलेज रहता कि ये चोरी का सामान है, तो वह भी 100-200 में देकर क्या करता, प्राप्त कर लेता। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, एक आपका 11 वर्षीय बालक है, दूसरे व्यक्ति को चाकू मार देता है और वहाँ हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि आज हमने शैतान को मार डाला, यानी कि वह धारावाहिक या टीवी से प्रेरित था, और हंसने लगता है, भागता नहीं है कि मैं आज शैतान को क्या किया, मार डाला। तो कई लड़के तो मर ही जा रहे हैं। आप देखिए, कई ऐसे सोशल मीडिया पर गेम हैं कि जहां लड़के देखते देखते माने उसी में रम जाते हैं, उनका दिमाग दूसरा सोचेगा ही नहीं। कई ऐसे केस आए दिल्ली वली में। और तो आपका जब अंतिम समय आता है तो गेम कहता है, ये करिए, हाथ काट लीजिए, कूद जाइए छत से, तो कई लड़के उसी आपका फ्लो में क्या किए, कूद गए और कई मर भी गए। और सुबह पता लगा माता पिता को कि लड़का स्वर्ग सिधार गया, क्या हुआ? तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा गेम खेल रहा था, वेल वाली तो कहीं भूत वाली। तो भाई ये भी आपका, यानी कि बताने का मतलब एक लाइन ये रहा कि उस लड़के का इंटेंशन क्या था कि
क्या वास्तव में वह लड़का दूसरे आदमी को मारने का इरादा रखता था, ज्ञान रखता था या उसे ज्ञान नहीं था, क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 83 इस बिंदु पर कवर होगा। अगर वह नासमझ है, कार्य के नेचर को नहीं जानता तो बचाव मिलेगा, और जानता है तभी उसे क्या मिलेगी, सजा। अब नेचर को जानता है कि नहीं, यह उसके आचरण, हाव भाव, चाल चलन, घटना का पूर्ववर्ती आचरण, घटना के समय कंडक्ट, घटना के बाद के समय क्या हाव भाव था, इस आधार पर एक क्या लगाया जाता है, केवल अनुमान। अतः लेकिन आइए, जहाँ तक सिविल, अब आगे बढ़ा जाए अगले पॉइंट पर, जहाँ तक मेंटल फैक्ट की बात है, जो मानसिक तथ्य होते हैं, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में रेलेवेंट होते हैं। लेकिन यह बात सही है कि मानसिक तथ्य आपराधिक मामलों में ज़्यादा यूज होते हैं और सिविल मामलों में कम होते हैं, लेकिन मेंटल फैक्ट दोनों में यूज होते हैं। तो पहले हम क्रिमिनल मामला लेते हैं, फिर सिविल मामला लेते हैं और तब दोनों को मिक्स करते हैं। और ये ज़रूर याद रखिए कि जो सेक्शन 14 और 15 पढ़ाया जाएगा, ये सिविल और क्रिमिनल मामलों में समान रूप से लागू होगा। आइए पहले आपराधिक मामलों में मानसिक तथ्य देखिए। जहाँ तक क्रिमिनल मामलों की बात है, क्रिमिनल मामलों में एक मैक्सिम आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग जानते होंगे, एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसि मेंस सिट रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उसका इरादा, आशय या इंटेंशन न हो। तो तुरंत झारखंड का क्वेश्चन देखा जाए, झारखंड एपीओ बनाया था कि अपराध के लिए क्या आवश्यक है, एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कार्य, दूसरा मेंस रिया आपराधिक आशय, तीसरा उपर्युक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मार कराएंगे, दोनों, यानी कि केवल एक्टस रिया ही नहीं बल्कि उसके साथ किसका सम्मिलन होना चाहिए, मेंस रिया। तो अपराध के लिए क्या आवश्यक है, दो, कौन कौन, एक्टस रिया और मेंस रिया, अभी झारखंड एपीओ में आया था ये। यानी कि आपराधिक मामलों में जब तक कि किसी व्यक्ति का इंटेंशन उस एक्ट को करने का न हो, सामान्यतः उसे दंडित नहीं किया जाता, और इसके लिए डिफेंस दिया गया है। और आईपीसी का सेक्शन, जो आईपीसी का सेक्शन 76 से लेकर 95 तक जब पढ़ेंगे, तो ये शुद्ध रूप से इसी सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति अपराध तो करता है लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता, अतः इन धाराओं के तहत उसे डिफेंस या बचाव दिया जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण रहा। जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, आशय उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन कुछ सिविल मामलों में इंटेंशन महत्वपूर्ण होता है। कुछ ही मामले हैं, दो तीन मामले हम भी गिना दे रहे हैं, जैसे पहला हो गया फ्रॉड यानी कि कपट, तो कपट या फ्रॉड के लिए यह आवश्यक होता है कि धोखा देने का क्या हो, इरादा, भाई धोखा देने का इंटेंशन हो तभी फ्रॉड माना जाएगा। इसके बाद मिथ्याबंदीकरण यानी कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट, यानी कि गलत तरीके से क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए इत्यादि, ऐसे सिविल रांग हैं, ऐसे टाट हैं जिसमें कि आशय का होना क्या होता है, आवश्यक। अब अगर आगे देखिए, देखा जाए, अब जो ये मेंटल फैक्ट हैं, इनको न्यायालय में कैसे प्रूफ किया जाए, इसके लिए
दो सेक्शन बने हैं और इन मेंटल फैक्टरों को रिलेवेंट बनाया जाए, इसके लिए आपका एविडेंस के दो सेक्शन बने हैं, 14 और 15, याद रखें कि कौन कौन, 14 और 15, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला नियम देखिए, अब स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मन की दशा, मन की जो दशा होती है, अभी हमने बताया भाई भूमिका याद रखिएगा, इसी तर्ज पर आगे बढ़ेगा, जो स्टेट ऑफ माइंड या मन की दशा होती है वह कोई जान नहीं सकता, क्योंकि कानून व्यक्ति के हार्ट या हृदय में निवास नहीं करता, वह उसके बाह्य आचरण हाव भाव को देखता है। लेकिन फिर भी अब समस्या ये आई कि जो ये हृदय में चूंकि मानसिक तत्व निवास करते हैं, फिर भी मानसिक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, अपराध में तो और महत्वपूर्ण होते हैं, और सेक्शन 14 और 15 में रेलेवेंट बनाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन, जो स्टेट ऑफ माइंड है, मन की दशा है, वह आपका सेक्शन 14 में रेलेवेंट है। तो इस पर पहले देखा जाए मन की दशा, अभी डिटेल में बेरक नहीं शुरू हुआ है, इसके बाद हम बेरक शुरू करेंगे, ये पॉइंट बता दें। देखिए सेक्शन 14 में जो ये मन की दशा है, तुरंत पकड़े रहिएगा, स्टेट ऑफ माइंड, मन की कंडीशन कह सकते हैं, इसके लिए आपका दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, स्पष्टीकरण 1 दिया गया है और स्पष्टीकरण 2। यहाँ से यूपी तो बार बार क्वेश्चन बना रहा है, एक्सप्रेशन नंबर जहाँ तक 1 की बात है, एक्सप्रेशन नंबर 1 मन की दशा की एरिया को यानी कि मानसिक तथ्य को सीमित करता है, सीमित इसलिए करता है कि स्पष्ट बता देता है कि मन की जो दशा है वह स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरल नहीं, यानी कि मन की दशा कैसी होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, सामान्य नहीं। अब तुरंत आपके दिमाग में ये पॉइंट बैठना चाहिए कि कब हम जनरल या सामान्य मन की दशा कहेंगे और कब विशेष विशिष्ट। अगर ये पॉइंट बैठ गया दिमाग में तो गलती होने का क्वेश्चन कोई चांस नहीं रहेगा, और जो पूछे जा रहे हैं लगातार, वहीं मैं दो तीन उदाहरण बताता हूँ, ध्यान से देखिए, तीन चार उदाहरण, प्रयास करिए कि बेरेक से पहले अभी तैयार कर लिया जाए। देखिए आपका पहला उदाहरण वाहन वाला देखा जाता है, दूसरा उदाहरण कुत्ते वाला देखा जाता है, तीसरा उदाहरण आपका गोली चलाने वाला देखा जाता है, और ज़्यादा कुत्ता 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 ये भी ज़्यादा पूछा गया है। आईएएस में तो एक और चार्ट में क्वेश्चन बना है कि कुत्ता एक बार काट ले तो क्षम्य है, लेकिन शेर एक बार काट ले तो क्षम्य नहीं है, इस कथन की विवेचना करिए, यानी कि जो एनिमल का एनिमल के लिए एनिमल के मालिक की जो लाइबिलिटी है उसको बताना है, तो टाट में जाएगा, लेकिन जोड़कर हल्का सा तो आपको जानना ही होगा तीनों। अब जनरल और विशिष्ट पकड़ लीजिए तीनों उदाहरणों पर, तब आगे बढ़ा जाएगा। ये एक व्यक्ति हैं, इसके पास 50 गाड़ियां हैं और 50ों गाड़ियां वह किराए या रेंट पर देता है, भाड़े पर देता है, भाड़ा किराया या रेंट पर, और 50 50ों गाड़ियां रास्ते में ही खराब हो जाती हैं। अब ये पूछा जाता है कि क्या इस बात का एविडेंस दिखाया जा सकता है कि जितनी गाड़ियां देता है सभी जो वैन है वाहन है ये खराब ही देता है, अर्थात कह सकते हैं कि वाहन की देख रेख के प्रति ये नेग्लिजेंस या उपेक्षा बरता है। तो मन की दशा पकड़नी है, फिर एक बार हम कंसेप्ट बना रहे हैं, मन की जो सामान्य दशा होगी वह रिलेवेंट नहीं होगी, अर्थात विसंगत होगी,
अर्थात साक्ष में सुसंगत नहीं होगी, क्योंकि यूपी और बिहार इतना इसको घुमा दे रहा है, सुसंगत नहीं होगी, विसंगत होगा, साक्ष में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, सब एक ही चीज है। और इसी को इतना देखिएगा ऑप्शन में जाकर, इतना घुमा देगा कि आप मैंने जब तक कंसेप्ट क्लियर न रहे भ्रम में आ जाएंगे। तो ये जो 50 गाड़ियों के बारे में उपेक्षा बरत रहा है, ये मन की सामान्य दशा है और इसको साक्ष में दिखाया नहीं जा सकता, याद रखिएगा। अर्थात ये तथ्य कि 50 गाड़ियों के बारे में वह नेग्लिजेंस बरता, ये विसंगत होगा, रेलेवेंट नहीं होगा, अर्थात सुसंगत नहीं होगा। अग्राह्य दे दे तो अग्राह्य मार कर आइए, जो भी दे लेकिन इसको स्वीकार न करवाइएगा। लेकिन अब इसी में दूसरा उदाहरण, तीन दृष्टांत ऐसे ही हो जाएंगे। वाहन नंबर 1 को इसने ए ने बी को दिया, बी ने शिकायत की ए से, फिर इसी वाहन को सी को दिया और सी ने भी शिकायत की ए से कि बीच में ही वाहन देते हो खराब हो गया, और इसी वाहन को ए ने बाद में किसको दिया, डी को, और बीच में वाहन खराब हो गया। डी अब एक पर मुकदमा किया है अपकृत विध के तहत कि हजूर ए उपेक्षा बरता है और इसने खराब वाहन दिया है, अतः ए से हमें कंपनसेशन या डैमेजेज या क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए, क्षतिपूर्ति। अब क्या डी इस बात को साक्ष में प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं कि बी तथा सी को यही वाहन यह दिया था और बीच में दोनों लोगों मैंने जब किराए पर दिया तो बीच में यही वाहन क्या हो गया था खराब। अब आप लोगों को ये पॉइंट पकड़ना है कि ये मन की विशिष्ट दशा है कि सामान्य, वही वाहन ये विशिष्ट है, वही वाहन तो याद रखिए स्पेसिफिक, और सभी वाहन तो कौन सी दशा, सामान्य, और ये एविडेंस में भी दिखा सकता है। अगला देखिए, कुत्ता पर देखा जाए, ए के पास 50 कुत्ते हैं, सेम चलेगा, 50 कुत्ते लोगों को काटते हैं, बताइए मन की सामान्य दशा है कि विशिष्ट, तो साक्ष में क्या प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं, नहीं। लेकिन कुत्ता नंबर 1 भाई ये ना कहेगा कोई और, कुत्ता नंबर 1 है और कुत्ता नंबर 1 ने बी को काटा, बी जाकर किसके पास शिकायत किया है, ए के, फिर किसको काटा, सी के, फिर किसको काटा है, डी को, और डी ए के खिलाफ कुत्ते की देख रेख में उपेक्षा बरतने के लिए मुकदमा किया है। तो अब वही कुत्ता कई लोगों को काट रहा है तो ये जनरल बात नहीं हुई, कैसी बात हुई, विशेष, और ये साक्ष में सुसंगत मानी जाएगी। इसी प्रकार गोली वाला भी उदाहरण पूछा गया था इस बार बार काउंसिल में, ये उदाहरण आया था, देखिए, ए पर आरोप है कि इसने बी की गोली मारकर हत्या की, साक्ष में ये दिखाया जाता है कि हजूर ए आदतन लोगों पर गोली चलाता है, यानी कि आदि है गोली चलाने का, क्या ये साक्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि ये ए के मन की क्या है, सामान्य दशा। अब विशिष्ट देखिए, हजूर ए बी को 2 बार पहले भी मारने का प्रयास कर चुका था, गोली बी को लगी लेकिन मरा नहीं था, और दूसरी या तीसरी बार मर गई, तो क्या पूर्ववर्ती घटनाएं दिखाई जा सकती हैं कि नहीं, दिखाई जा सकती हैं, क्योंकि ये घटनाएं अब विशिष्ट हो गई, सामान्य नहीं हुई, कैसे, तो मन की दशा कैसी होनी चाहिए, रट डालिए, स्पेसिफिक की जनरल, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेलेवेंट, और जनरल क्या है, रेलेवेंट नहीं है। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन बना है। स्पष्टीकरण 2 ये बताता है कि मन की बुरी दशा के रूप में, यानी कि मन की आपका स्टेट ऑफ माइंड का जो बैड कंडीशन है, बुरी दशा है, उस रूप में
प्रायर कन्विक्ट का मतलब पूर्व दोष सिद्धि, प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट होगा, यानी कि पहले भी एक बार किसी अपराध में ये क्या पा चुका है सजा, उसको हम बताएंगे डिटेल में। आइए, आपका सामान्य बातें हो गई, तो सामान्य बातों के बाद बेयर एक्ट शुरू किया जाता है। और बेयर एक्ट देखिए, क्वेश्चन मॉडल बना दिया जाए भाई, तब बेयर शुरू करते हैं। मॉडल पहले दो लाइन बना दिया जाए, मेंस का भी। मेंस में आपका दो मॉडल बनते हैं, तीन मॉडल। पहला मॉडल ये बनता है मन की दशा, शरीर की दशा, स्टेट ऑफ बॉडी, और शारीरिक संवेदना, ये इसकी सुसंगतता का उल्लेख करिए। ये एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा आपका डायरेक्ट समस्या से आता है, तो समस्या हम बताएंगे ये अलग से भाई। तीसरा क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ ने जो मॉडल बनाया है, सिमिलर फैक्ट, अच्छे से याद रखिएगा यूपी एपीओ का है, ये दोनों को मिक्स करके लिखना रहता है, 14 और किसको 15 को, कठिन है। सिमिलर फैक्ट कब रेलेवेंट होते हैं बताइए। सिमिलर फैक्ट मतलब समरूप तथ्य, समरूप तथ्य माने एक समान पूर्ववर्ती घटनाएं, इसको हम डिटेल में बताएंगे, केस भी लिखना पड़ेगा। लेकिन आइए, 16 का एक दो और पॉइंट बचा है। सेक्शन 16 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सेक्शन 14 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 16 एलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, यानी कि धारा 14 में कितने उदाहरण दिए गए हैं, 16, और 10 उदाहरण तो पढ़ने ही पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है। मैं बता दूं, कौन उदाहरण पूछ ले, कोई भरोसा नहीं। और 10 न पढ़िए तो ये तीन तो याद रखे, कुत्ता, वाहन और क्या, गोली। वैसे 90% चांस है कि इससे मिल जाएगा, लेकिन अब वह चाहते हैं कि 10% भी कवर करें, तो आईपीसी से भी जोड़कर इसको पढ़ना रहता है कि आईपीसी के सेक्शन 378 में भी 16 या 16 दृष्टांत हैं। अब आइए बेयर एक्ट शुरू किया जाए भाई। देखिए बेयर एक्ट आपका एक एक शब्दों पर गौर करिएगा क्या कहा गया है, और उन्हीं शब्दों को देखिए कैसे आपका नए लोगों को भाई एक बार और सूचित किया जाता है। देखिए पढ़ने का तरीका याद करिए, क्योंकि जब तक आप तरीका याद नहीं करेंगे, तब तक ये चाहें कि केवल कोचिंग के बल पर हम पढ़ लें, तो भाई ये संभव नहीं है। आपको खुद ही कुछ तो दिमाग लगाइए, आपका दिमाग ही नहीं लगाएंगे तो कहाँ से, और वो कैसे आप पढ़िए, तो उस बेयर एक्ट को क्लू निकालिए, ये मैं बता दूंगा। अब देखिए आपका सेक्शन जैसे 14 है, देखिए क्लू कैसे आप निकालेंगे, एक एक शब्दों को मैं बता रहा हूँ, और एक एक शब्दों को ध्यान में रखिए। देखिए 14 का बेयर एक्ट तोड़ा जाए, देखिए मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस, यानी कि जो मौजूद हो, तो कितने तथ्यों को रिलेवेंट बनाया गया है, तीन, कौन कौन, मन की दशा, दूसरा शरीर की दशा, बताएंगे हम कुछ दशाएं तो बतानी ही पड़ेगी 7-8, और शारीरिक संवेदना, यानी कि शारीरिक संवेदना माने शारीरिक अनुभूति, शरीर पिरो रहा था कि शरीर यानी कि दर्द कर रहा था कि गुदगुदा रहा था, अब वही तो बता सकता है शरीर कैसा था, तो इसको हम बताएंगे आपका, तीनों को अलग अलग बताएंगे। लेकिन बेयर एक्ट देखिए, मन की कोई भी दशा, अब यही आपका सतर्क रहना है, मन की कोई भी दशा, कोई भी दशा, इसके बाद जैसे, अब यही पॉइंट पकड़ लेना है, इसका मतलब ही यही हुआ कि मन की कोई भी दशा आपका जैसे, जैसे ही शब्द
लिखा गया तो सतर्क रहना है। एक पॉइंट, किसी भी अगर वाक्य में जैसे जैसे का मतलब ये हुआ कि कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, पूरी बात लिखी नहीं जाती। इसका मतलब ये हुआ कि मन की दशा से संबंधित कुछ शब्दों का उल्लेख तो कर दिया गया है, लेकिन ये प्रावधान पूर्ण नहीं है। मन की दशा इसके अलावा भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वर्ड क्या लिखा गया है, जैसे। फिर एक बार समझिए, यही पॉइंट पकड़ना है। स्टेट ऑफ माइंड, मन की कोई भी दशा, यानी आपका कंडीशन, जैसे। फिर एक बार हम बता रहे हैं, जैसे का मतलब ये हुआ कि जो हम स्टेट ऑफ माइंड या मन की दशा या मानसिक दशा बताएंगे, ये दशा, इन दशाओं की जो लिस्ट है, ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि इन दशाओं का कुछ केवल क्या दे दिया गया है, उदाहरण। तो और क्या क्या दशा हो सकती है, तो पहले पूरी दशा को लिखिए, फिर और कुछ क्लू निकाला जाए बेरक से ही। देखिए भाई, आपका क्रमवाइज भी याद रखिएगा, अब क्रमवाइज भी पूछा जा रहा है। जैसे आशय, यानी कि पहला शब्द क्या हुआ, इंटेंशन या आशय, मन की दशा हो गई। इसके बाद आपका शब्द हो गया ज्ञान, यानी कि नॉलेज, क्रम से याद रखिएगा, नॉलेज हो गया। तीसरा सद्भाव, गुड फेथ में काम किया, सद्भाव हम देखेंगे। सद्भाव के बाद आपका उपेक्षा या नेग्लिजेंस, चौथा क्या है, उपेक्षा है। इसके बाद आपका आ जाइए, क्रम से देखा जाए, उतावलापन, वैमनस्य और सदिच्छा। उतावलापन, वैमनस्य और अगला है सदिच्छा, अच्छी इच्छा। सदिच्छा। अब देखिए आपका यहाँ से कैसे, अब एक एक शब्दों को समझाना है। अब ये नहीं कि समाप्त हो गया, कम से कम कल तक पूरा लेक्चर 15 तक चलेगा, यानी कि 14-15 कठिन है, थोड़ा आसान नहीं भाई, बता दें कठिन है काफ़ी, और आपका यहाँ से क्वेश्चन निश्चित बनेगा। देखिए आपका, यानी कि इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गया, यानी कि आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य और सदिच्छा। तो क्रम से भी एक और नया मॉडल बनेगा, क्रम से। तो पहला क्या है, क्रम बनाइए, आशय। दूसरा क्या है, ज्ञान। तीसरा क्या, सद्भाव। चौथा क्या, उपेक्षा। अब यहाँ जो एमपी और उत्तराखंड का मॉडल है वो देखा जाए। सेक्शन 14 में मन की दशा के रूप में कौन रेलेवेंट नहीं है, कौन सुसंगत नहीं है, तो दो शब्द पकड़े रहिएगा। मैं फिर बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक मोटिव, मोटिव का मतलब हेतु हुआ, और दूसरा रीजन, यानी कि दूसरा आपका कारण। तो तुरंत पॉइंट पकड़ना है कि आखिर कारण कहाँ रेलेवेंट है, तो सेक्शन 7 में, और हेतु कहाँ है, सेक्शन 8 में। तो देखिए मॉडल कैसे बनता है, सतर्क इसको अलग से लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, 90% लोग गलत करके आते हैं, लेकिन आपसे आशा की जाती है कि आज पढ़ाने के बाद आप गलत नहीं करेंगे किसी भी हाल में। देखिए फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, भले दो बार बताया जाए। आपका कौन रेलेवेंट नहीं है, तो दे देगा मन की दशा में आशय देगा, है ही। दूसरा क्या देगा, ज्ञान। तीसरा क्या देगा, सद्भाव। चौथा क्या लिख देगा, कारण या हेतु कहा जाता है भाई, हेतु। तो कौन रेलेवेंट नहीं है, हेतु। फिर आपका हेतु न देकर क्या दे देगा, हेतु भाई, हेतु न देकर क्या देगा, हेतु। हेतु मतलब मोटिव, मोटिव मतलब ध्येय, और हेतुक मतलब रीजन या कारण। कम से कम नए लोग ये समझें। अब देखिए तीसरा मॉडल एक मैं बना रहा हूँ,
कि मन की दशा के रूप में कौन रेलेवेंट है सेक्शन 14 में। पहला दे दिया हेतु, दूसरा दे दिया हेतुक, तीसरा दे दिया आपका ज्ञान, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो सेक्शन 14 में बताइए मन की दशा के रूप में, मन माने स्टेट ऑफ माइंड में कौन रेलेवेंट है इसमें। ज्ञान यानी कि नॉलेज, क्योंकि हेतु है नहीं, हेतु है नहीं। ये नया मॉडल बन सकता है, सतर्क रहिए, गलती का पूरा चांस यहाँ रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन बनता है। अब जो ये मन की दशाएं हैं, पहले इन सभी शब्दों को हम समझाएंगे भी, लेकिन कुछ चूंकि मन की दशा में जैसे शब्द लिखा गया है, तो आप भी कुछ शब्द निकालिए अपने मन से जो पढ़े हों, जो मन की दशा या इंटेंशन से रिलेटेड है, मन की दशा से, लेकिन इस लिस्ट में आता नहीं है। तो बताइए कोई है ऐसा आपके दिमाग में, आप भी बताइए एक दो। भाई फ्रॉड हो गया, यानी कि क्या हो गया, कपट, ये भी क्या है। मन की दशा 14 में आएगा कि नहीं, बताइए। तो क्यों आएगा, क्योंकि मन की दशा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। और क्या लिखा है, जैसे, तो जैसे में मन की दशा को जोड़ते रहिए। इसके बाद और बताइए एक दो। डिसऑनेस्टली यानी कि कौन, बेईमानी। भाई दो तो आप कम से कम बताइए, फ्रॉड और बेईमानी। अब आइए एक एक शब्दों को देखा जाता है, और चूंकि 16 आपके इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो एक एक शब्द को पढ़ते हुए ही 16 जो दृष्टांत हैं उनमें उसको कवर भी किया जाता है। लेकिन पहले शब्द समझा दिया जाए, दो दो लाइन, हर एक शब्द का मतलब जानिए, ये आशय क्या है। इंटेंशन शब्द को न तो एविडेंस में कहीं परिभाषित किया गया है, न आईपीसी में, न सीआरपीसी में, कहीं डिफाइन ही नहीं है। यानी कि इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी एक्टस रिया और मेंस रिया, और मेंस रिया पूछा गया था ये कि मेंस रिया को या आपराधिक आशय को आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो मेंस रिया होती क्या है, यानी कि अपराध का आवश्यक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट, ऑफेंस का एसेंशियल एलिमेंट होते हुए भी इसकी डिफिनीशन कहीं नहीं दी गई, कमी कहिए। लेकिन आशय को दर्शाने वाले शब्दों का उल्लेख जरूर किया गया है। अब आइए आशय होता क्या है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि इंटेंशन का मतलब क्या, तो एक लाइन जवाब दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, तो उस कार्य के परिणाम के बारे में पूर्व कल्पना किए रहता है और निश्चितता भी किए रहता है कि इस कार्य का परिणाम ये होगा। इसका मतलब कि अब निश्चितता यानी कि आपका परिणाम की कल्पना पूर्ण रूप से किया था कि नहीं, निश्चितता के साथ किया था कि नहीं, ये देखा नहीं जा सकता। उसके एक्ट के आधार पर क्या निकाला जा सकता है, अनुमान। फिर एक बार समझिए, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो कार्य के परिणामों के बारे में दिमाग में एक पूर्व कल्पना किए रहता है कि इस कार्य का निश्चित रूप से, संभावना नहीं, अधिसंभावी, भाई पास केवल संभाव्य नहीं, अधिसंभाव, निश्चित रूप से इस कार्य का परिणाम ये होगा, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का इरादा उस कार्य को करने का था। उदाहरण देखिए, ए बी पर गोली चलाता है, ए जानता है कि सिर में मैं एक गोली मारूंगा तो निश्चित रूप से बी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो क्या ए ने गोली चलाई भी,
भी मर भी गया तो क्या ए का इरादा बी को मारने का था कि नहीं था? अब आशय को आशय था, इसको रिलेवेंट कहाँ बनाया गया है? 14 में, यानी कि ए का इरादा बी को जान से मारने का था, ये साक्ष्य में रिलेवेंट होगा। अब दूसरा शब्द नॉलेज आया। नॉलेज का मतलब कि ज्ञान का होना या जानकारी का होना। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य के परिणामों का नॉलेज उसे होता है। इस कार्य का परिणाम ये होगा, लेकिन हल्का सा जो सर्टेनिटी है, याद रखिए निश्चितता है, वो हल्का सा ही क्या रहती है, कम। तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का क्या है, नॉलेज। देखिए एक उदाहरण, उदाहरण ये देखना है कि एक बस्ती में लोग सो रहे हैं और ये लूट को सुकर या इजी या आसान बनाने के लिए बस्ती में आग लगा देता है, दो लोग मर जाते हैं। तो ए का क्या नॉलेज था? नॉलेज था, क्योंकि वह जानता था कि लोग सो रहे हैं और इस बात की संभावना है, अधसंभावी भले न हो, संभावना है कि यदि हम इस बस्ती में आग लगाएंगे तो सोते हुए ही दो चार लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अतः नॉलेज का मतलब कि कार्य के परिणाम के बारे में पूर्ण आश्वस्त तो व्यक्ति नहीं है, लेकिन परिणाम की इच्छा किया है। अब यही क्वेश्चन आपका आईपीसी में भी पूछा जाता है कि आईपीसी में 299 और 300 में, अच्छे से तैयार रखिएगा इसको, आईपीसी की धारा 299 और 300 में मुख्य अंतर क्या है? तो भाई अगर आपका मेंस में पूछे तब तो आर बनाम गोविंदा का उठाते हैं आप और पूरा पोथी पत्रा तैयार करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में पूछे तो वो लिस्ट नहीं बतानी है, बस एक लाइन बताना रहता है। और एक लाइन जब बताना हो तो जिस्ट बताइए। जिस्ट यानी कि हेंसल का हेंस केल्सन के अनुसार ग्रैंड नॉर्म बताइए। ग्रैंड नॉर्म का मतलब ये हुआ मूल मानक, अर्थात जो उसकी कुंजी है वही आपको बताना पड़ेगा। और कई लोग बताए भी, आपका बस एक लाइन जवाब रहेगा, हत्या और आपराधिक मानव बध में ज्ञान और आशय की मात्रा में अंतर है। अगर इंटेंशन और नॉलेज थोड़ा अप हो तो वह मर्डर, और थोड़ा डाउन हो तो मर्डर से थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब कब अप होगा और कब डाउन होगा ये आज तक कोई बता नहीं पाया। आज तक कोई बता नहीं पाया तो हम क्या बताएं, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है कि कब अप है और कब क्या है, डाउन। यानी कि आशय और ज्ञान की मात्रा पर 299 और 300 में अंतर निर्भर करता है, ये जरूर याद रखे एक लाइन। आइए तीसरा शब्द देखा जाए, गुड फेथ, या इसको कहते हैं बोनाफाइड। बोनाफाइड मने सद्भावना पूर्वक, ये शब्द जरूर परिभाषित है। और ये सद्भावना शब्द आईपीसी में किस सेक्शन में परिभाषित हैं? 52। और भी जगह हैं लेकिन आइए देखा जाए। गुड फेथ शब्द आईपीसी में तमाम धाराओं में रन करेगा, और आपको अच्छे से तैयार रखना है। सद्भावना पूर्वक का मतलब ये हुआ कि उचित सतर्कता और सावधानी बरत कर कार्य करना, या ध्यान से देकर क्या कार्य करना। आप पर भी उदाहरण लास्ट में बताया जाए, जब आप एग्जाम हॉल में गए तो आपको पूरा गुड फेथ में कार्य करना है, दुर्भावना में नहीं। यानी कि जितनी सावधानी, रोल नंबर भरने में, आपका सीरीज भरने में
और क्वेश्चन का आंसर भरने में करनी चाहिए, आपको उतनी सावधानी करनी ही होगी। और हल्का सा गलत हुआ तो कंपटीशन आपको क्या कर देगा, बाहर। तो सद्भावना पूर्वक का मतलब हुआ कि कार्य करते समय जितनी सावधानी और सतर्कता या जितना ध्यान देकर उस कार्य को करना चाहिए, अगर व्यक्ति ने उतना ध्यान दिया है तो हम कहेंगे कि वह गुड फेथ में कार्य किया है। आइए पहले डॉक्टर का उदाहरण देखा जाए। एक डॉक्टर ने एक महिला का ऑपरेशन किया और पेट में ही कपड़ा छोड़ दिया, कैंची छोड़ दिया। 2 साल बाद पता लगा दर्द हुआ तो ये तो कपड़ा छूट गया है। तो क्या सद्भावना में कार्य किए कि उपेक्षा पूर्वक? सद्भावना में नहीं, क्योंकि सद्भावना मतलब कि जितनी सतर्कता और सावधानी क्या है, बरतनी चाहिए। तो भाई आपका देखे होंगे तमाम फिल्में भी हैं, डॉक्टर जब भी आते हैं लाश का पोस्टमार्टम करने, तो भाई रोज़ कई लाशें देखनी पड़ती हैं, तो पहले 2 बूंद ले लेते हैं। और कई डॉक्टर हैं कि जब तक 2 बूंद लेंगे नहीं तब तक ऑपरेशन ही नहीं करेंगे, मैंने थोड़ी मात्रा में लेते हैं ताकि आपका लेने के बाद दिमाग में वो न बैठे, क्योंकि आप देख लीजिए लास्ट तो 2 दिन क्या होगा, दिमाग में वो नाता रहेगा भूत जैसे, और उसको तो रोज़ देखना है। रोज़ आपका एक एक अंगों को अलग करना है मानव के, तो आपका ये इसीलिए 5 साल मुन्ना भाई MBBS कराया जाता है, अब तो ऐसे ही पास हो गए हैं बेचारे बिना परीक्षा के सब। मुन्ना भाई LLB भी पास हो गए और मुन्ना भाई MBBS सब पास हो गए, यानी कि पप्पू क्या हो गया। लड़के बड़े खुश हैं इस बार गाँव में भी कि रिजल्ट सब पास हो गए, चाहे नकल किए या न किए। तो भाई सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि जुरिस्प्रूडेंस की क्लास आज नहीं चलेगी, कल से चलेगी। आपका कल से जुरिस्प्रूडेंस की भी क्लास चलेगी 12 से 1, और जुरिस्प्रूडेंस 1 हफ्ते का बचा है वो समाप्त हो जाएगा, तब आपका और सब्जेक्ट लगेगा।